क्या मामला है, किस लिए आपने जाम लगाया है? तीन चार दिन पहले हमारे पाल समाज का सौरव भाई किसी व्यक्ति द्वारा जिनका नाम प्रिंस बताया जा रहा है और उसके भी साथी हैं जो साथ में उसका मर्डर किया हुआ है और उसको नहर में डाल दिया गया था, लेकिन तीन दिन पुलिस की नाकामी के बिना वो पाया नहीं गया, लेकिन तीन दिन बाद अपने आप से ऊपर आता है, उसके बाद सेल्फ को मोर्चरी हाउस में ले लिया जाता है, पोस्टमार्टम करवा लिया जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम आज सुबह से 9 बजे होना था लेकिन अभी तक अब हुआ है। उसके बाद ऐसे ऐसे चमोदे कह रहे हम कार्रवाई करेंगे, 5 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गोल डिटेल नहीं, कुछ नहीं हुआ। जाम क्यों लगाया है? जाम इसलिए लगाया है कि हमारी ना कोई सुनवाई हो रही है, ना हमारी बात को तवज्जो से लिया जा रहा है। हमने ये कहा कि आप एसपी साहब को बुलाइए मौके पे और हमें लिखित में का रूप में दिलवाइए कि हाँ हम आपके लिए संतुष्टजनक कार्रवाई करेंगे और दोषियों को सजा देंगे, लेकिन उन्होंने एसपी महोदय को अभी तक नहीं बुलाया। आपका नाम? पंकज पाल। सबसे पहले हमारे सिटी थाना में सौरभ की गुमशुदगी के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना शहर में धारा 346 आईपीसी के तहत मामला अंकित किया गया था। इसके बाद में जांच के दौरान ही उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसका आज पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा वीडियोग्राफी करवाते हुए करवाया गया है। इनके समाज की ये मांग थी कि जी निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया जाए, तो मैं अभी यहाँ पर आया हूँ और इनको हमने ये आश्वस्त किया है कि मामले में जांच है वो निष्पक्ष ढंग से होगी और बड़ी जल्दी होगी। जाम लगाया हुआ था, पहले हांसी चौक पे लगाया और अब अम्बेडकर चौक पे लगाया था, तो वो कह रहे हैं कि हत्या की धारा ऐड होगी तभी हम संस्कार करें। देखिए, ये बात सुबह से ही हो गई थी, जो भी फैमिली जो भी उनके परिजन है वो जो भी बयान अंकित करवाते हैं पुलिस उसी हिसाब से मुकदमा दर्ज करती है। हाँ, आगे वो जांच का विषय है कि जी मामले में एक्चुअल में सच्चाई क्या है क्या नहीं है। कुछ लोगों के नाम आए थे, प्रिंस है या दूसरे लड़के हैं, उनमें कुछ निकला अभी तक? देखिए, मैंने कहा ना, अभी जो क्योंकि मामला भी जांच चल रही है, जो भी आरोपियों के नाम लिखेंगे उनसे भी पूछताछ होगी, बाकी जितने भी एविडेंस है, चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो या फिजिकल एविडेंस हो या लोगों के जो बयान हो, उसको समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। मान गया परिवार के लोग? हाँ बिल्कुल, परिवार बोल दिया। और देखिए, मैं एक बार फिर सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जाम लगाना किसी भी जो समस्या है उसका समाधान नहीं है। अल्टीमेटली जो समाधान होता है वो बातचीत से होता है, और वैसे भी जो इनकी जो डिमांड्स थी वो बड़ी जेन्युइन थी, कानून के दायरे में रहते हुए जो भी डिमांड्स है उनको स्वीकार करने में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।